सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट करें ताकि मेरी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो आज मैं आपको करके दिखाऊंगी ग्लॉसी विंटर मेकअप लुक, फुल ऑन ग्लैम। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यूज़ करूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना एज अ प्राइमर, एज अ मॉइस्चराइजर, और मैं फ्यू ड्रॉप्स लूँगी और इसे अप्लाई करूँगी अपने फेस पे और अच्छे से मसाज करूँगी ताकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो मैं इसे यूज़ करूँगी अच्छे से एक महीना दो महीना, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये काम करता है या नहीं। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद, यानी आप इसे लिप्स पर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज किया करता है, यानी ये मैंने फील किया है। फिर मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ करूँगी एले गर्ल का परफेक्ट लिक्विड मेकअप फाउंडेशन इन शेड न्यूड। अब मैं कुछ ड्रॉप्स लूँगी अपने फेस पे और उसे फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जो है वो ब्लेंड करूँगी। मैं टैबिंग मोशन में नहीं कर रही, मैं स्वाइपिंग मोशन में ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कर रही हूँ ताकि जो कवरेज है वो बिल्कुल ही कम हो। तो आई नो मेरा फेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो इसलिए क्योंकि मैं स्किन केयर रूटीन जो है वो बेस्ट एंड बेस्ट रखती हूँ। तो एले कलर्स का मैं टिंटेड ब्लश लूँगी इन पीची और उसे अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी। ये बहुत ही प्यारा क्रीमी ब्लश है और फिर उसी में मैं हाइलाइटर इन गॉडेस जो है वो इस्तेमाल करूँगी अपने चीक बोन्स पे, अपनी टिप ऑफ द नोज़ पे, टी जोन एरिया यानी क्यूपिड बो एट्सेट्रा इस सारे एरिया पे लगाऊंगी। और ये बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है, एक्चुअली हुदा ब्यूटी की कैप्री शेड जो है, पिंक सैंड जो हाइलाइटर है उसका कैप्री शेड का ड्यूब है ये, और वो बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है, ये बहुत ही नेचुरल लगता है। फिर उसके बाद जो है ब्राउज़ के लिए मैं लूँगी बायोइशी का आईब्रो पाउडर इन मीडियम और मैं अपनी आईब्रोज़ को जो है वो स्मॉल स्ट्रोक्स में डिफ़ाइन करूँगी, यानी बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरी आईब्रोज़ को इतना डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो पहले से ही बुशी हैं। उनको सेट करने के लिए एसेंस क्लेयर ब्राउ जेल यूज़ करूँगी और उसके बाद जो है एले कलर का वही टिंटेड ब्लश मैं यूज़ करूँगी अपनी आईज़ के लिए। सीरियसली आईलेड में जान आ जाती है पीची कलर अप्लाई करने से। फिर जो हाइलाइटर है उससे मैं टियर डॉट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी और ब्लश को जो है वो स्वीट टच का माई फेवरेट पीची शेड आई शेडो जो है वो मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी और आई शेड को सेट करने के लिए भी वही कलर जो है वो यूज़ करूँगी। फिर एले कलर का जो हाइलाइटर मैं यूज़ करती आ रही हूँ वही मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी। नेक्स्ट थिंग इज़ माई फेव, दिस इज़ द एले कलर्स लिक्विड आई लाइनर ग्रेफिक्स। ये बहुत ही प्यारा आईलाइनर है, लिक्विड आईलाइनर है, लॉन्ग लास्टिंग है, बजट फ्रेंडली है और ग्लॉसी फिनिश है इसकी, मैट फिनिश नहीं है इस आईलाइनर की। फिर मैं अपने मेकअप को सेट करूंगी मेबलिन वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ इन शेड लाइट और मैं पूरे अपने फेस पे इसे अप्लाई करूंगी अच्छे से। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी रिवाज यूके का सेक्सी कर्ल मस्कारा और इससे अपनी लैशेस को कर्ल करूँगी। लिपस्टिक, यस माय फेवरेट एले गर्ल लिपी लिपस्टिक्स इन शेड गिरी, जुबली, लस्ट एंड पैनिक, दीज आर माय फेवरेट लिपी लिपस्टिक्स। बहुत ही पिगमेंटेड हैं और इनकी फिनिश जो है वो ग्लॉसी है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। यू नो गाइस के लिपस्टिक जो होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, आपको टचअप की ज़रूरत होती है, लेकिन दीज आर द बेस्ट। इनकी जो स्मेल है बहुत ही फ्रूटी स्मेल है, बहुत ही एडिक्टिव स्मेल है इनकी और जो है बहुत ही कंफर्टेबल है, यानी बिल्कुल भी टैकी और अनकंफर्टेबल लिपस्टिक्स नहीं है। इनको ट्विस्ट करके नीचे से निकालना पड़ता है। बहुत ही पिगमेंटेड कलर्स हैं इनके सारे के सारे, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं और मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि आप ये कहाँ से परचेज कर सकते हो, आप चेकआउट कर लेना। तो ये फोर शेड्स हैं मेरे पास।
फिर मैं अपने मेकअप को सेट करूँगी ग्लैमर के सेटिंग स्प्रे से एंड हॉरिबल 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 एक्सपीरियंस, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी बकवास थी। मैं ये बकवास वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने वीडियो के बनाने के फ़ौरन बाद फेस धो लिया था क्योंकि बहुत ही इचीनेस हो रही थी मुझे ये स्प्रे यूज़ करने के बाद। सो या दिस इज़ द लुक गर्ल्स। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, यू नो द ड्रिल। सो या सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।